हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मौसम बदलते ही लोगों के खान पान में भी बदलाव आने लगता है। गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में लोग अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना पसंद करते हैं जो उनके शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ ही शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है। ऐसी ही एक चीज़ का नाम है गोंद। गोंद प्रकृति से मिला एक अनोखा उपहार है जिसको खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। गोंद से मिलने वाले लाभ को देखते हुए गर्भवती महिलाओं से लेकर स्तनपान कराने वाली माताओं तक को गोंद से बने लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। ये जानते हैं रोजाना एक गोंद का लड्डू खाने से आखिर शरीर में कौन से जादुई बदलाव देखने को मिलते हैं। गोंद को भूनकर उसका लड्डू बनाकर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। सर्दी जुकाम से लेकर सर्दियों में इस वजह से गोंद के लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। रोजाना रात को सोने से पहले गोंद का एक लड्डू गर्म दूध के साथ खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। ऐसा करने से मांसपेशियों के साथ रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गोंद के लड्डू खाने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भावस्था के दौरान शरीर में आई कमजोरी को दूर किया जा सके। इसके अलावा भी यदि शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट महसूस हो रही हो तो रोजाना गोंद का सेवन जरूर करना चाहिए। मैंने इस लड्डू को तिल के साथ बनाया है जो इसके लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से इस स्वादिष्ट और हैरान कर देने वाले इस अमृत लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप सफ़ेद तिल को एक नॉन स्टिक कढ़ाई में डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पूरे 7 मिनट बाद मैंने मेरे सफ़ेद तिल को भून लिया है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, और घी के गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1/2 कप गोंद का तीरा और इसको भी फूलने तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मेरे गोंद भी अच्छे से भून गया है, इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, फिर घी के गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक भूनेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी क्रंची हो गए हैं, इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे अपने भुने हुए तिल और इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। और यहाँ मैंने तिल का दरदरा पाउडर बना लिया है, इसे एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर सेम ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे भुने हुए गोंद, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, 4 से 5 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, 2 से 3 टेबलस्पून सौंठ पाउडर, 6 से 7 छोटी इलायची और 1 कप गुड़। फिर सबको मिलाकर दरदरा पीस लेंगे।
और ये देखिए यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। इसको भी पीसे तिल वाले पाउडर में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी और सबको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अपनी चॉइस के हिसाब से हम बड़े या छोटे लड्डू बांध लेंगे, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। रोजाना 1 या 2 गोंद के लड्डू का सेवन करने से कब्ज की परेशानी दूर होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा गोंद का लड्डू सेवन करना पेट को बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि ज़्यादा खाने से ये पचने में दिक्कत करता है। सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और चलने फिरने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए गोंद के लड्डू को खाना फायदेमंद होता है। तो अगर सर्दियों में स्वस्थ रहना है तो कम से कम 1 लड्डू का सेवन रात में गर्म दूध के साथ अवश्य करें। ये देखिए बिना किसी झंझट के, बिना चाशनी, बिना मैदा, बिना आटा, कितने कम समय में मैंने स्वादिष्ट गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि जनरली बड़ा मुश्किल टास्क होता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों को दूर करता है। आप भी इन सर्दियों में इस औषधीय गुण वाले इंस्टेंट लड्डू को बनाएं और अच्छे और आश्चर्यजनक परिणाम के लिए 1 ग्लास गाय के दूध के साथ 1 लड्डू का सेवन रोज रात को सोने से पहले करें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ग्लूटेन फ्री तिल गोंद लड्डू की इंस्टेंट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जॉय योर विंटर विथ इम्यूनिटी बूस्टर तिल गोंद लड्डू। टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।